The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हर इंसान को डर लगता है. डर लगने में कोई बुराई नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है. एंजाइटी होने में कोई पागलपन नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं है. आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दो एग्जांपल दूंगा. पहले एक बच्चे का एग्जांपल देते हैं. एक बच्चा जो है एक छोटे सी गाड़ी की आवाज़ से, हॉर्न से भी डर जाता है, बड़े से जानवर को देख के डर जाता है, एक साथ बहुत सारी भीड़ देख के डर जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता, उसके दिमाग को पता नहीं ये क्या है, उसको आदत नहीं है. लेकिन वही बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो भीड़ को लेके पैदा हो सकता है कि भीड़ लेके दौड़ना, खेलना, कूदना, उसको कोई डर नहीं होता. ये चीज़ क्या प्रूफ करती है कि आपकी बॉडी उम्र के साथ इन डर को, इन सब चीज़ों को अडैप्ट कर लेती है. ये तो डर हुआ फिजिकल डर. एक साइकोलॉजिकल डर होता है. मान लीजिए कहीं आपके आसपास में भूकंप आ गया, बिल्डिंग हिल गई, एक दो बिल्डिंग गिर गई, तो आप डर जाओगे. आपके क्या सारे के सारे लोग डर जाएंगे कि भाई मेरी भी बिल्डिंग गिर सकती थी, मेरे ऊपर भी गिर सकता था. या मान लीजिए कोई आतंकवादी अटैक हो गया, बम फूट गया, तो आप डर जाओगे, बल्कि सारे डर जाएंगे. यहाँ बैठे जितने बैठे जो सारे के सारे लोग हैं, सारे 20,000-18,000 लोग डर जाएंगे. लेकिन क्या 18 के ये सारे के सारे हजारों लोग, ये सब के सब लोग अगले दो दिन तक डरे हुए रहेंगे, अगले दो दिन तक सहमे रहेंगे? बिल्कुल नहीं. कुछ लोग 10 मिनट में, 5 मिनट में ठीक हो जाएंगे, कुछ रात भर सो नहीं पाएंगे, राइट? और कुछ लोगों को ज़िंदगी भर के लिए एकदम सदमे में चले जाएंगे. सो ये क्या है, क्यों हर एक का अलग रिस्पॉन्स होता है डर के साथ, एन्जाइटी के साथ, घबराहट के साथ? ये सेंसिटिविटी है, राइट? आपके माइंड की सेंसिटिविटी है, आपके माइंड की पॉजिटिवनेस है, आपके सपोर्ट सिस्टम की का इवैल्यूएशन है, राइट? कितना अच्छा सपोर्ट सिस्टम है आपके घर में, आपके माइंड में, आपके फ्रेंड सर्कल में, कितनी अंडरस्टैंडिंग है आपको इस चीज़ में, आपका डर कम होता है. अगर आपको ये डर लग रहा है कि फैमिली में किसी को कुछ आएगा, तो आपको नॉलेज की कमी है. शायद आपको नहीं पता कि फैमिली में जिन लोगों को, उनको कोई बीमारी है कि नहीं है, उनके हेल्थ चेकअप करने से, अच्छे किसी डॉक्टर से मिलने से शायद आपका डर ख़त्म हो जाए, राइट? और अगर आपको इन चीज़ों का डर है कि भाई मेरी सेंसिटिविटी कम है, मुझे ज़्यादा देर डर लगता है, चाहे छोटी छोटी बात हो जाए, मुझे छोटी सी चीज़ों का डर लगता है, बच्चा घर नहीं आया डर गए, बच्चा शाम को, बच्चा उठ नहीं रहा डर गए, बच्चा खाने लगा डर गए, बच्चे की हाइट नहीं हो रही डर गए. माँ को सबसे ज़्यादा डर होता है, राइट? बाहर जाके जॉब कर रहे हैं डर है. सो इस डर का कोई इलाज नहीं है. इस डर को समझना है कि ये डर है, ये साइकोलॉजिकल चीज़ है, ये नॉर्मल है, राइट? और जब आप समझ लोगे कि ये नॉर्मल है, ये सबको होता है, तो आपकी बॉडी इससे अडैप्ट करना शुरू कर देगी और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अडैप्ट कर लेगी. इसको अडैप्ट करने के लिए चार पांच बेसिक चीज़ें करनी है. सही टाइम पे खाना है, दिन में 3 बार कम से कम खाना खाना है, दिन में सही टाइम पे सोना है, 8 घंटे की, 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए, अच्छा 8 से 12 ग्लास पानी पीना है, 4 लीटर 3 लीटर, और सही डाइट में प्रोटीन, मिल्क, B12 ये सब चीज़ें रखनी है, दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ या सोयाबीन या चिकन, मटन, फिश, कुछ ना कुछ ज़रूर लीजिए. जी हाँ, ये ज़रूरी. और फ्रूट्स लीजिए दो. इनसे क्या होता है, आपकी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट मिलते हैं, वो नेसेसरी एलिमेंट्स मिलते हैं, जिससे ये हॉर्मोन्स और वो चीज़ें बैलेंस हो पाती है. भाई शरीर में डर भी एक केमिकल रिएक्शन ही है, और ये केमिकल्स भी, एक न्यूरोट्रांसमीटर्स भी आपके बॉडी के अंदर आने वाले न्यूट्रिएंट से बनते हैं. जी हाँ, फूड से सब कुछ होता है, नींद से सब कुछ होता है, स्ट्रेस से सब कुछ होता है. दो एक्स्ट्रा चीज़ करनी है, 10-15 मिनट का योगा या मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग और थोड़ी सी एक्सरसाइज. इतनी चीज़ें अगर आप करते हैं तो किसी भी प्रकार की ओवर सेंसिटिविटी आपकी कम होती जाएगी. अगर आप नहीं करते हो, इसी चीज़ में घूमते रहोगे कि मेरे को तो पता नहीं क्या डर है, मेरे को तो क्या पता नहीं क्या डर है, मेरे को तो साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, साइकाइट्रिक दवा चाहिए, तो नहीं, वो परमानेंट इलाज नहीं है, वो टेम्प्ररी इलाज है. वो ये चीज़ करता है कि आपकी बॉडी को समय मिल जाए, और उस बीच आप खुद को हार्म ना कर दो, उस बीच आप ऐसी तैसी ना कर जाओ, या जीने कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम ना आ जाए. तो ये है बात डर की. अगर आपको डर लगता है तो डरो, डरने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करो कि ये क्या है, क्यों है, किस किस को है, और क्यों कम होगा, कैसे कम होगा. ये नहीं बोल रहा हूँ अंधेरे में रात को निकल जाओ, डर के आगे जीत है, डर छो, पहाड़ चढ़ जाओ, कूद जाओ, छत से कूद जाओ, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है. सिर्फ आपको एक्सेप्ट करना है कि ये बीमारी क्या है, और आप ठीक हो जाओगे.